गुड मॉर्निंग बच्चों होप यू ऑल आर वेरी फाइन घर पे रहना है बाहर नहीं जाना है बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना ओके एंड कीप सैनिटाइजर विद यू चलिए तो इन आर लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड बायोटिक कंपोनेंट्स नाउ वी आर ऑन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आपने ये लर्न किया हुआ है पहले किया हुआ है समझा हुआ है सो यू विल रिवाइज इट बेटर नाउ ओके सो बच्चे फर्स्टली सी द वर्ड बायोडिग्रेडेबल इसमें जो वर्ड है टू वर्ड से बना है बायो एंड डिग्रेडेबल बायो मीन्स लिविंग एंड डिग्रेडेबल मीन्स दैट कैन बी डी ओके डीकम्पोज हमने पढ़ा था ना जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं ठीक है उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल देन इसी की डेफिनेशन भी यही हो गई तभी मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं मिनरल्स जिसको ये वापस मिट्टी में मिला देते हैं ठीक है So, इसका एग्ज़ाम्पल पेपर क्लोथ किचन वेस्ट अब किचन वेस्ट से ये याद आता है कि किचन वेस्ट को अगर हम आ, बाहर मिट्टी में या अपने गार्डन में कहीं पे भी छोटा सा पिट बनाएं और उसके अंदर सारा किचन वेस्ट डाल के उसके अंदर सॉयल डाल दें लीव्स डाल दें तो वो हम कुछ दिनों बाद देखेंगे उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं they will break that kitchen waste totally and you will not find anything like that you will find only and only soil or उस but उस soil का colour थोड़ा सा change होगा that will be in blackish nature so, organic material है ना उसमें बहुत सारा है ना so इस वजह से वो क्या बन गया kitchen waste का किचन वेस्ट की बन गई कंपोस्ट कंपोस्ट होती है खाद अब नीचे देखो पिक्चर नीचे पिक्चर देखोगे तो ये एक तरफ किचन वेस्ट है किचन वेस्ट को सॉइल के साथ मिला रहे हैं मिक्स कर रहे हैं ठीक है सो so, इसके अंदर के सॉइल के अंदर हम कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स होते हैं हैंड वॉश करने चाहिए सो so, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको कंपोस्ट में चेंज कर देंगे ओके okay, बेटे देन वी आर हैविंग नॉन बाय डिगडेबल मटीरियल्स बिल्कुल इसका ऑपोजिट द मटीरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटांस बाय माइक्रो ऑर्गनीजम्स वैसे ही तोड़ सकते हैं हम इनको लेकिन <coughs> ऐसे माइक्रोऑर्गनीज़म्स ऐसे मिनरल्स में नहीं चेंज कर सकते ताकि वो मिट्टी में ही मिल जाएँ ये मिट्टी को पॉल्यूट सॉयल को पॉल्यूट करेंगे ठीक है सॉइल को भी पॉल्यूट करेंगे एयर को पॉल्यूट करेंगे सो so मतलब इन मटेरियल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है ओके okay? यार इसका एग्जाम्पल देखें तो प्लास्टिक मेटल्स बॉटल्स ग्लास पॉली बैग्स केमिकल्स ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं देन बच्चे इसको आ, हम नाव दवरी वन इज़ कंपेनिंग फॉर लेस प्लास्टिक यूजलेस पॉली बैग्स वाई बिकॉज़ दे आर डेंजरस फॉर एनवायरमेंट वाई दे आर डेंजरस फॉर एनवायरमेंट बिकॉज ये सीवरेज सिस्टम में क्यूमलेट क्यूमलेट मतलब इकट्ठा होना ठीक है जब ये सीवरेज सिस्टम इकट्ठा हो जाते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं नालियों को ब्लॉक कर देते हैं ब्लॉक द ड्रेन्स है न अब अगर हम उनको सीवरेज सिस्टम में नहीं फेंक सकते बाहर नहीं फेंक सकते तो हम क्या करेंगे हम उसको बर्न करेंगे बट बर्निंग से उसको और भी ज़्यादा एयर को पॉल्यूट करता है ये बर्निंग से इसकी इतनी डेंजरस गैसेस निकलती हैं हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देती हैं ठीक है सो बर्निंग कॉजेस एयर पॉल्यूशन तो एंड पानी में अगर हम फेंकेंगे रिवर्स में फेंक देंगे तो क्या होगा तो रिवर्स में फेंकेंगे तो रिवर में ये सारी चीज़ें अगर पॉलिथीन ऊपर इकट्ठे हो गए तो अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं दे विल नॉट गेट द ऑक्सीजन टू ब्रीथ है ना और वहाँ पर एलगी प्रोड्यूस हो जाएगा एलगी ऑर्गेनिजम्स और प्रोड्यूस हो जाएंगे और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो जाएगा एक्वेटिक एनिमल्स ने कोई प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया उसकी बॉडी में चला गया इट विल डाई है ना so it is dangerous in all means so how should we this uh, dispose of non biodegradable material ko dispose of kaise karna chahiye isko recycle karke reuse karke okay bachche this was non biodegradable materials अभी हम देखो compost बना रहे थे ना biodegradable materials से तो कम्पोस्ट में अगर हम ये वाला वाम ऐड कर देना ना ये रेड वाम वाइट कलर के भी होते हैं इसको वाइट वाम्स बोलते हैं या इसको अर्थ वाम्स बोलते हैं केचुए बोलते हैं हिंदी में है ना सो so, अगर हम कंपोस्ट फॉर्म करते हैं कंपोस्ट वैसे ही फॉर्म करनी है जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको आप एक पिट में डालिए उसके अंदर मिट्टी डालिए और वो मिट्टी के साथ आप रेड वाम्स वगैरह आप इकट्ठे कर लीजिए ठीक है इकट्ठे इसमें डाल दीजिए तो ये रेड मोम्स और ये वाइट मोम्स क्या करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ मिलकर ये उनके अंदर उसको और ज़्यादा जल्दी काम कर देंगे मतलब उसको खाद बनाने में और हेल्प <coughs> करेंगे उसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करते चले जाएंगे ठीक है और वो हमारा कंपोस्ट जो है बहुत अच्छे से और बहुत इजीली जल्दी से तैयार हो जाएगा देन अब इससे जो कंपोस्ट बनता है इससे जो कंपोस्ट बनता है वो न्यूट्रिएंट रिच कम्पोज होता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इसमें बहुत सारा आ, मतलब सॉइल की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है और और सॉइल को जितना मिनरल्स चाहिए होते हैं वो सब मिनरल्स उसको मिल जाते हैं सो so, वर्मी कंपोस्टिंग इज़ वेरी यूज़फुल ओके बच्चे then now we are coming to abiotic environment. abiotic environment bache wo वो jo जो खुद nahi नहीं हो रहे हैं खुद आ, उनको फूड नहीं चाहिए खुद उनको जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए दे वॉन्ट डोंट वॉन्ट एनी थिंग बट दे हेल्प अस टू ग्रो ठीक है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं वो हमारा Uh, हमें अपने अपने लिविंग स्टाइल को मेंटेन करने में हमारी ग्रोथ होने में ये सारी चीज़ें जो हेल्प करती हैं उनको अबायोटिक इन्वामेंट कहते हैं और ये खुद नॉन लिविंग होते हैं अब पीछे वाली पिक्चर में देखो इसको ध्यान से सन से आ रही है लाइट लाइट इज आल्सो नॉट लिविंग ना है ना क्लाउड से आ रही है रेन रेन से बना नीचे वाटर है ना सो वाटर इज आल्सो नॉट लिविंग ये इवेपोरेट होता है ऊपर जाता है क्लाउड बनता है क्लाउड से फिर नीचे आ जाता है सो इट इज़ यूज इन मैनी फॉर्म्स ओके एंड देन हवा एयर एयर हमें बहुत ज़रूरी चाहिए है न एयर में ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से आप रिस्पायर कर पाते हो देन टेम्परेचर टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ आपने देखे होंगे कि कुछ एनिमल्स uh, ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ठंडे में रहते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्मी में रहते हैं सो so, टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ के ऊपर जहाँ ठंडी जगह है वहाँ ठंडे ठंड में रहने वाले एनिमल्स एंड लाइफ फ्लोरा होना वहाँ होगी है ना और जहाँ पे दोनों तरीके के रहते हैं ठंडी में ठंडी गर्मी में गर्मी वहाँ पे अलग तरीके के और एनिमल्स होते हैं दैन वी आर हैविंग सॉयल सॉइल भी आपको नीचे दिख रही है ना है ना सो so ये जो सॉइल होती है सॉइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्यों सॉइल नहीं होगी तो हम प्लांट्स कहाँ उगाएंगे प्लांट्स नहीं उगेंगे तो हम फूड कहाँ से लेंगे है ना सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर ग्रोथ है ना फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ तो बच्चा सबसे पहले हम आते हैं वाटर पर वाटर इज़ वेरी असेंशियल स्पेशली फॉर आर सर्वाइवल हमें यार थोड़ी देर में प्यास लगती है हम तक जाते हैं बोलते बोलते प्यास लगती है वैसे ही डिहाइड्रेशन हो जाती है अगर हम पानी ना पिए इवन हमारा जो सेवेंटी परसेंट ऑफ बॉडी वेट है मीन्स आप देखो जित जित जो भी आपका वेट है ना उसका सेवेंटी परसेंट निकाल लो तो आपकी बॉडी में वो सेवेंटी परसेंट वेट किसका है पानी का वाटर का ठीक है तो ये वाटर किस किस काम आता है सबसे पहले ड्रिंकिंग के काम आता है ठीक है फिर हमारे हाउस होल्ड में और हम बहुत सारे काम करते हैं ना पानी से वी बाथ वी कुक द फूड वी वॉश द क्लोथ्स वी वॉश द डिशेस है ना सो वी नीड इट वी नीड इट वी नीड द वाटर एंड देन वी नीड द वॉटर देन प्लाट्स ऑल्सो नीड द वॉटर डू प्लान्स नीड वाटर येस प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर बिकॉज जो मिट्टी है मिट्टी में जहाँ पे प्लांट्स हमने लगाए तो वो फोटो सिंथेसिस करने के लिए हमने हमें हमने पानी कहाँ डाला रूट्स में डाला फिर वो रूट्स से पानी कहाँ जाएगा स्टेम में जाएगा स्टेम से लीव्स में जाएगा देन दे विल बी एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। अगर हम पानी नहीं डालेंगे देन द प्लांट विल नॉट बी एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, इट विल नॉट बी एबल टू मेक फूड एंड अल्टीमेटली इट विल डाई ठीक है बच्चे देन बच्चे द वॉटर इज सो मच नेसेसरी फॉर देन शुड नॉट शुडंट वी हार्वेस्ट इट शुडेंट बी सेव इट हमें ऐसे वेस्ट करना चाहिए पानी को जैसे हम करते हैं जैसे आज भी आपने सुबह सुबह कितने बच्चे होंगे ना जिन्होंने सुबह सुबह ब्रश किया होगा और ब्रश करते हो वॉश बेसिन की टैप खुली रही होगी तो आपने जितनी देर में अपना फेस देखा मिरर में और फेस देखते हुए ब्रश किया इतनी देर बेचारा पानी वेस्ट हो गया ना कहाँ गया ड्रेन्स में गया वो साफ़ पानी जिससे आप कितना कुछ कर सकते थे वो सारा कहाँ चला गया सीवरेज में है ना और वो इतना पानी जो हमने इतनी मुश्किल से देखो वाटर वर्क्स जब रिवर में पानी होता है ना रिवर में पानी को पहले साफ़ किया जाता है वाटर वर्क वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे क्लीन किया जाता है फ़िल्टर किया जाता है उसमें दवाई डाली जाती है वो <coughs> वो पानी साफ हो जाता है फिर वो साफ़ पानी देखो नेटवर्क ऑफ़ पाइपलाइंस बिछा हुआ है पूरे पूरे सिटी में तो वो पूरे सिटी में जो नेटवर्क ऑफ़ पाइपलाइंस है उससे आ, पानी हर घर में पहुंचता है फिर वो हर घर में पहुंचने वाला पानी हमारे टैंक्स में जाता है मोटर चलाते हैं मोटर से कितनी ज़्यादा बिजली लगती है ना है ना कितना आ, ऐसे ही नहीं होता और उसमें कितने ज़्यादा पैसे भी लगते हैं उसको चलने में because बिकॉज इट a lot of पावर लॉट ऑफ एनर्जी सो इफ़ यू आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ़ पावर देन गवेंट will take money from us ना है ना so हमें अब देखो उसमें भी पैसे लगे अब वो हमारे टैंक में भरा अब टैंक में भर के वो वापस uh, आ रहा है टैप्स में आ रहा है और पीने वाला पानी आर में जा रहा है आर या फिल्टर जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं फिर वो आर ओ फिर दोबारा से उसको फिल्टर करता है और उसमें से कुछ वाटर वेस्ट जाता है और कुछ पानी हम पीते हैं मीन्स दैट आर ओ इज़ वर्किंग ऑल्सो वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इट इज़ ऑल्सो कंज्यूमिंग एनर्जी मीन्स वी आर गेटिंग बिल ऑफ दैट ऑल्सो वी विल वी विल हैव टू पे फॉर दिस ऑल्सो मीन्स अब इतना सारा हम इतने सारी पानी को हम इस पानी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम उसके लिए पे भी कर रहे हैं फिर भी हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे ना हमें पानी को बहुत संभल के यूज़ करना है हमें पानी को ऐसे ब्रश करते हुए नहीं जाने देना ठीक है ब्रश आपने गीला किया गीला करने के बाद टैप खुला नहीं छोड़ना बंद कर दो ठीक है इवन ब्रश करते हुए कुछ बच्चों की टैप इस तरीके से खुली होती है कि टू बकेट्स ऑफ वाटर गोज़ टू सीवरेज ठीक है टू बकेट्स ऑफ वाटर जिससे कितना काम हो सकता था वो सीधा बिना यूज़ किए सीवरेज में चला गया देन बच्चे शॉवर से नहाते हो या अगर शॉवर से नहाते हो तो साबुन सोप अप्लाई करते हुए बंद करो उसको थोड़ा यूज़ करो ठीक है यानी कि एक तरफ शॉवर चलता रहे और एक तरफ आप सोप लगाते रहे सो so, इस चीज़ का ध्यान रखिए वैसे तो आप ये बकेट यूज़ कीजिए नहाने के लिए बकेट एंड मग प्लांट्स को पानी डाला है तो पाइप से नहीं डालना है गिव द वाटर विद बकेट एंड मग ओके इससे वेस्टेज कम होती है तो बच्चे ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम ध्यान रखते हैं जैसे कि अभी हमने दाल धोई फ्रूट धोए वेजिटेबल्स वेज़, धोए तो हम क्यों धोते हैं क्योंकि क्यों ऊपर उसके ऊपर डस्ट या कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट या कंपोस्ट नहीं तो आ, मैं फर्टिलाइज़र मेडी केमिकल्स हम डालते हैं ना वो सब लगे हुए होते हैं तो हम वो वॉश कर रहे हैं वो वॉश करके पानी में जा रहा है तो बच्चे प्लांट्स को तो वो सारी चीज़ें चाहिए ना है ना सो so, हम क्या कर सकते हैं हम एक बड़ा सा बर्तन लें उसके अंदर हम Uh, सब्जी वगैरह धोएं और जो जितना भी पानी लगा उस पानी को हम डालें प्लांट्स में सो so, प्लांट्स फिल फ्लोरिश ओके okay? सो so, इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो वॉशिंग वाला पानी है जो जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं उससे हम अपना हाउस क्लीन कर सकते हैं उसमें सोप होता है ठीक है सोप क्या करेगा हमारे हाउस में जो डर्ट है उसको क्लीन कर देगा बस तो ये छोटे छोटे स्टेप से हमारा पानी बहुत बच सकता है और एक और बहुत बड़ी बात कि जब रेन आती है तो रेन वाटर को हम कैसे बचा सकते हैं इकट्ठा कर सकते हैं इकट्ठे करने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन सबको अच्छी लगती है ना रेन में नहाना भी सबको अच्छा लगता है है ना कितना मज़ा आता है ना कितना अच्छा मौसम हो जाता है ना रेन में है ना बट उस रेन में नहाते हुए खेलते हुए घूमते हुए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना रेन वाटर हम कलेक्ट कर सकें उसको कलेक्ट करना चाहिए वो हमारे बहुत सारे काम आ सकता है ठीक है आजकल जो घर बन रहे हैं नए और बड़ी सिटीज़ में जो घर बन रहे हैं उन सब में देखो नीचे डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम में इस हाउस में ऊपर देखो रेन आ रही है तो रेन रूफ पे इकट्ठी हो रही है ठीक है रूफ पे इकट्ठी होगी और उसकी यहाँ से पाइपलाइन लगी हुई है अभी ये पाइपलाइन के साथ टैंक जुड़ा हुआ है ओके देन दूसरी छत है दूसरी छत से भी पाइपलाइन जा रही है और उसके नीचे अंडरग्राउंड टैंक है ये अंडरग्राउंड टैंक बेटा अंडरग्राउंड नीचे से ना मिट्टी का बना होता है जिससे क्या होगा जितना पानी हमें चाहिए चाहिए बाकी का वो सीप हो जाएगा अंदर अंडरग्राउंड ड्रॉप ड्रॉप करके मिट्टी के अंदर चला जाएगा दॉयल विल एब्ज़ॉर्ब दैट देन उसको एबजॉर्ब करने से पानी वेस्ट हो गया नहीं बिल्कुल नहीं वो अंडरग्राउंड चला गया और अंडरग्राउंड वाटर लेवल हम हम अंडरग्राउंड वाटर बहुत यूज़ करते हैं आपने देखा समर्सीबल ट्यूबवेल्स वगैरह ये सारा क्या है अंडरग्राउंड वाटर है तो अंडरग्राउंड वाटर जो हम यूज़ करते हैं उसको अंदर जाने भी तो देना चाहिए ना क्योंकि जो हम जितने भी सड़कें बना रहे हैं दीज ऑल आर मेड अप विथ सीमेंट एंड कंक्रीट तो कंक्रीट फ्लोर और सीमेंटेड फ्लोर्स जो होते हैं वो वाटर होते हैं वो पानी को अंदर जाने नहीं देते जिस वजह से क्या होता है कि नीचे का वो जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है अब हमें नीचे का वाटर लेवल कम हो गया लेकिन हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है पानी का हमें लेना नीचे से ही है तो बेटा अंदर पानी जाएगा तभी तो हम ले पाएंगे ना बच्चे ठीक है तो इसी वजह से ये अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं अब इसमें भी देखिए इसमें स्लैंटिंग रूफ बनी हुई है इस घर में और स्लान्डिंग रूफ बन के साथ में एक आ, आ, ये ये जो पोर्शन है ये देखो इसमें पानी आके इकट्ठा हो जाता है और पाइपलाइन से ये पानी इन टैंक्स में इकट्ठा हो रहा है ठीक है अब ये पानी इस टैंक में इकट्ठा हो रहा है और फिर बाद में ये यूज हो सकता है जहां पे पानी की कमी रहती है वहां पे ये चीज जरूरी चाहिए ओके देन वी हैव टू कलेक्ट रेन वाटर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज इज वेरी कॉमन नाउेज then what will happen when we will harvest water, uh, harvest rain water it will fulfill the requirement of वाटर जितनी हमें ज़रूरत होती है पानी की हम उससे ले सकते हैं एंड देन जो अंडरग्राउंड टैंक्स यहाँ बने हैं ये वाले अंडरग्राउंड टैंक्स ये दीज ठीक है दीज अंडरग्राउंड टैंक्स विल सब सॉइल वाटर लेवल जो नीचे वाला पानी है नीचे जो धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है उसका वाटर लेवल बढ़ा देगा ओके okay, बच्चे ठंडी ठंडी हवा सबको पसंद है ना पसंद ना भी हो कैसे भी हो बट वी नीड एयर फॉर आर सरवाइवल जिंदा रहने के लिए है न

Then carbon dioxide, then in very small amount, many other gases are also there, dust is also there, water vapors are also there, and microorganisms are also there. तो ये इस एयर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं ना बच्चे सभी के अलग 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 काम होते हैं देखो माइक्रो ऑर्गनिज्म इधर उधर घूमते रहेंगे हवा के थ्रू जाएंगे तभी तो किसी भी डेड बॉडी को पकड़ेंगे और उसको डिकम्पोज करेंगे है ना नाइट्रोजन हमें चाहिए आर इज मिसिंग एयर ध्यान देना सो नाइट्रोजन में एन आई टी आर ओ जी ई एन आएगा ओके नाइट्रोजन जो है बच्चे प्लांट्स को चाहिए तो प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं बट वो ऐसे नहीं लेते जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं वो मिट्टी से लेते हैं नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन उनको चाहिए बहुत ज़रूरी मिनरल है जो उनको चाहिए उनको फूड और प्रोटीन्स बनाने के लिए स्पेशली ठीक है देन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस तो चाहिए ओके देन बचे एयर एयर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है और क्लीन एयर हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है सो so, हमें हर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम पोल्यूशन कर सकें एनवायरमेंट में कम से कम हार्मफुल गैसेस भेजें ओके देन वी आर हैविंग लाइट सनलाइट है ना सो नेचुरल लाइट हमें कहाँ से मिलती है सन और मून से लेकिन जो मून से लाइट आती है वो सन की लाइट होती है है ना सो so, अगर हम कहें कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है कौन है सन सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट फॉर आर अर्थ ऑन आर अर्थ है ना एंड इट इज नेसेसरी फॉर फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथिस is the base of life, you know that? Photosynthesis is the base of life. Plants do photosynthesis for preparing food, then that and then they grow and then those plants and that food produced by plants are used by us to eat. Know. So photosynthesis is the basis of life. Okay. Then The question arises why there are very few plants in deep waters. अब लाइट की ही हम बात करते हैं बच्चे When there is density of something, जैसे इफ़ देर इज़ अ डेंसिटी ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है कि बहुत ज़्यादा उसमें ट्रीज हैं तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है और ज़्यादा डेंस होता जाता है वहाँ पे लाइट कम होती जाती है ठीक है इसी तरीके से वाटर जितना डीप होता चला जाता है वहाँ पे सनलाइट उतनी कम पहुँचती है और डीप वाटर में अगर सनलाइट कम पहुँचेगी तो वहाँ पे प्लांट्स प्लांट फोटोसिंथेसिस प्लांट प्लांट नहीं कर पाएंगे दैट्स वाई देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स इन डीप वाटर्स एंड दोज प्लांट्स आर नॉर्मली कार्निवोरस इंसेक्टीवरस प्लांट्स और द टाइप प्लांट्स ओके देन

वो मॉर्निंग ग्लोरी जो है आ, आ, खिल जाती है एकदम फ्लार जो होता है वो बिल्कुल वाइड ओपन हो जाता है और जैसे ही ज़्यादा गर्मी होती है धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है और सनसेट हो जाता है तो वो मॉर्निंग ग्लोरी अपने आप को बंद कर लेती है ओके देन सनफ्लावर सनफ्लावर्स ऑलवेज फेस ऑलवेज फेसिस सुबह सुबह उसका जो फेस होता है सनफ्लावर का दैट इज़ टूवर्ड्स ईस्ट और धीरे 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 जैसे सन मूव करता है वेस्ट की तरफ वैसे सनफ्लावर वेस्ट की तरफ मूव करता है और शाम को बिल्कुल वेस्ट को फेस कर रहा होता है दैट्स हाउ दीज प्लांट्स रिस्पोंड टू लाइट नाउ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक जैसे बर्ड्स की अगर हम बात करेंगे जैसे ही थोड़ी सी सुबह होती है दे वेक अपन गो फॉर

वो सारे रात को एक्टिव होते हैं ठीक है देन वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर टेम्परेचर का मतलब कितनी हॉटनेस गर्मी सर्दी कितनी है और उसको हम किस से मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर से देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर जो एनिमल्स और बर्ड्स ठंडे एनवायरमेंट में रहते हैं दे विल लिव नियर द पोल्स और जो लोग जिनको गर्मी पसंद है दे विल नियर लिव नियर दी विल फाइंड देम नियर द इक्वेटर ठीक है सो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाती है अब जैसे पेंगुइन है वी वी कैन फाउंड पेंगुइन ओनली इन द रीजन नियर द पोल्स दे कैन वी कैन नॉट फाइंड देम नियर द इक्वेटर इक्वेटर पे हमारा इंडिया है तो क्या हमें पेंगुइन्स uh, कहीं मिलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे ठीक है सो so, टेम्परेचर भी बच्चे हमारे हमारे सर्वाइवल को मैनेज करता है कैसे जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत गर्मी को टॉलरेट कर लेते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत गर्मी को टॉलरेट नहीं करते अब जैसे कैमल है कैमल को तो राजस्थान में रेगिस्तान में मिट्टी में रहने की आदत है है ना सो so, उसके जो आपने फीट देखे होंगे उसके ही फीट जो होते हैं वो वाइड होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ताकि वो मिट्टी पर रह सकें अच्छे से चल सकें और मिट्टी दबे ना और उसके जो फीट होते हैं वो इतनी गर्म मिट्टी के ऊपर रेत के ऊपर चलते हैं और उतनी गर्मी उसको टॉलरेट भी कर लेते हैं वो है ना और वो इकट्ठा पानी पीते हैं फिर उसके बाद कितनी देर तक पानी नहीं पीते हैं सो दे कैन टॉलरेट वेरी मच हीट है ना अब अगर काओ और बफलो की हम बात करें काओ वाइट कलर की होती है ना एंड बफलोज आर ऑफ ब्लैक कलर नाउ ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट अगर हम देखो आपको बार बार ये कहा जाता है कि आ, गर्मियों में बच्चे ब्लैक कपड़े नहीं डालो और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े डालो सो so, जो ब्लैक कलर का जो क्लोथ होता है वो हीट एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और काओज़ जो होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं सो so, उनको इतनी ज़्यादा हीट नहीं लगती है बफलूज़ को बफलूज ब्लैक कलर की होती हैं उनकी स्किन इतना बहुत ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और उनके अंदर स्वेट क्लांस भी नहीं होते ठीक है पसीना भी नहीं निकलता अब पसीने का क्या रोल है बताओ भाई अब पसीने का क्या रोल है कि जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है स्वेटिंग होती है तो वो जो एनवायरमेंट में जो हेयर एयर uh, चल रही है वो एयर हमारे स्वेट को इवेपोरेट करती है और जब स्वेट भी इवेपोरेट होता है हमारी बॉडी की बहुत सारी हीट एनर्जी उस स्वेटिंग के साथ यूज़ uh, अप हो जाती है तो हमारी स्किन को थोड़ी सी हवा ठंडी लगती है ओके okay. देन पोलर बियर्स और पैंगवि की अगर हम बात करें तो वो हमें सिर्फ ठंडे रीजन में हमें मिलेंगे दे कैन कैन नॉट टॉलरेट मच हाई टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं ओके okay, बेटा दिस वॉज टेम्परेचर नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट अबायोटिक एंड कॉम्पोनेंट दैट इज सॉयल सो बच्चे सॉयल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स नीड सॉयल टू ग्रो अब सॉयल uh, से प्लांट्स को क्या मिलता है वाटर एंड मिनरल्स एंड आपने देखा होगा कि सॉयल में बहुत सारे इंसेक्ट्स बहुत सारे रेप्टाइल्स रहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए सॉयल क्या हो गई होम है ना उनका घर हो गई वो वहाँ रहते हैं एंड इट इज नेचुरल रिसोर्स फॉर अस हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स मीन सॉयल क्या काम आती है प्लांट्स तो हम उगाते ही हैं लेकिन जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसमें भी बहुत मिट्टी चाहिए चाहे हम चाहे हम रोड्स बना रहे हैं चाहे हम हाउस बना रहे हैं डैम्स बिल्ड कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं हमें मिट्टी चाहिए फिर हम खुदाई करके माइंस बना रहे हैं और माइंस में से हम बहुत कुछ चीज़ें निकालते हैं मिनरल्स निकालते हैं जो हमें मेटल्स मिलते हैं वो भी हमें किससे मिलते हैं सॉयल से मिलते हैं है ना दिस वॉज द लास्ट अबायोटिक कॉम्पोनेंट नाउ सी द इंटरेक्शन इन एनवायरमेंट अब बेटा कोई भी इंडिविजुअल अगर हम कहें कि एनिमल्स अकेले रह सकते हैं तो वो भी अकेले ऐसे नहीं रह सकते दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ठीक है सो so, अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि प्लांट्स बने प्लांट्स किससे बने कहाँ से बने सॉइल uh, में से वाटर मिनरल्स लेकर सनलाइट लेकर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं बन रहे हैं ठीक है फिर उन प्लांट्स को कोई एनिमल खाता है फिर उसको और कोई एनिमल खाता है उसको कोई और एनिमल खाता है फिर और वो स्क्वेंजर्स डीको कार्निवोरस हो गया कार्निवोरस फिर कार्निवोरस से आगे क्या आ जाएगा स्क्वेंजर्स स्क्वेंजर्स तो जो भी कोई चीज़ मरेगी उसको स्क्वेंजर्स खाएंगे, फिर स्क्वेंजर्स भी अगर मर जाएंगे तो उसको कौन खाएगा डीकंपोजर्स है ना डीकंपोजर्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो क्या कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिवाइड डिवाइड uh, कर देंगे डीकंपोज कर देंगे छोटे-छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे एंड दीस पार्टिकल्स आर मिनरल्स अब इसमें देखो दीस आर प्रोड्यूसर्स ये प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं ये ये वाटर मिला सनलाइट मिली तो उससे ग्रास बना ग्रास को किसने खाया ने 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 खाया ने खाया ने खाया 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 को 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 किसने 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 जब hawk मर गया तो उसको किसने यूज किया डी ने है ना so इस तरीके से दे फॉर्म अ चेन एंड दिस इज नोन एज फूड चेन तो और एक अकेली कोई फूड चेन नहीं होती सिर्फ ये फूड चेन नहीं है बहुत सारी फूड चेन है फ्रॉग सिर्फ फ्रॉग को क्या सिर्फ ये स्नेक खा सकता है नहीं कोई भी एनिमल खा सकता है डॉग खा सकता है जैकर खा सकता है वुल्फ खा सकता है ठीक है काई टीगल भी खा सकती है सो so, बहुत डिपेंड करता है अब ग्रास ओपर को भी बहुत सारे बर्ड्स भी खाते हैं So, uh, इस तरीके से हमारी फूड चेन्स बनती हैं और जब फूड चेन्स भी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं तो हम उसको बोलते हैं फूड वेब दैट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस बट फूड चेन के बाद फूड चेन्स का बहुत सारा नेटवर्क बने तो बनता है फूड वेब नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर दैट इज द मिनरल साइकिल मिनरल साइकिल को अब अभ, अभी ध्यान से देखेंगे बच्चे देखो इसमें क्या है Soil है, Soil से क्या बने ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स को किसने कंज्यूम किया एनिमल्स एनिमल्स से दो तरीके से दो अब क्या चीजें बनती हैं देखो इधर से प्लांट्स भी डेड होते हैं तो वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में वो भी जा सकते हैं एनिमल्स भी डेड होंगे तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एनिमल ड्रॉपिंग्स भी वो एक तरीके से डेड मटीरियल ही होता है ठीक है अब डेड प्लांट्स और एनिमल्स और एनिमल ड्रॉपिंग्स ड्रॉपिंग्स मतलब वेस्ट मटेरियल जैसे गाय गाय का गोबर जो होता है दैट इज द एनिमल ड्रॉपिंग ओके देन बच्चे देखो डेड प्लांट्स एनिमल्स और एनिमल ड्रॉपिंग्स दोनों को कौन डीकम्पोज करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर वो मिट्टी में मिलेंगे बट मिट्टी में क्या बन के मिलेंगे मिनरल्स मिनरल्स वापस सॉइल में आ गए अब ये सॉइल के अंदर जो मिनरल्स आ गए वो वापस ग्रीन प्लांट्स यूज करेंगे फिर उसको एनिमल्स यूज करेंगे फिर वो मरेंगे फिर उसको डिकम्पोज है तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है दैट्स वाई इट इज नोन एज मिनरल साइकिल इसी तरीके से एक साइकिल ये बनता है जो आपकी बुक में भी दे रखा है कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे इंटरडिपेंडेंट है देखो प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ऑक्सीजन एयर में छोड़ते हैं पानी भी छोड़ते हैं तभी एयर से जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है ना प्लांट्स के अंदर वो हवा से इवेपोरेट हो जाता है लीव्स 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 से हवा में इवेपोरेट हो जाता है ठीक है अब जो ऑक्सीजन बनी जो पानी वो फिर वो इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनता है उस पानी से क्लाउड्स बन के नीचे आ जाते हैं रेन के रूप में पानी नीचे आ जाता है तभी तो हम कहते हैं कि हमें प्लांट्स बहुत जरूरी चाहिए एयर के लिए भी वाटर के लिए भी ठीक है सो so, जो ऑक्सीजन आई एनवायरमेंट में वो एनिमल्स और प्लांट्स ने रिस्पायर किया रेस्पायर मतलब सांस लिया सांस लेके क्या करते हैं वो ऑक्सीजन उनकी बॉडी में जाती है और जितना भी खाना उन्होंने खाया उसको तोड़ के एनर्जी बना लेती है बहुत सारी एनर्जी जैसे हम खेलते हैं कूदते हैं नाचते हैं दौड़ते हैं ना फिर बेटा ये जो है अब एनिमल्स और प्लांट्स रेस्पायर कर रहे हैं मीन्स ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन छोड़ के आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी छोड़ते हैं है हाँ ना फिर ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से वापस क्या बनता है फोटोसिंथेसिस फिर फोटोसिंथेसिस से वापस ऐसी चीज़ें बनती हैं जो ऑर्गेनिक कम्पाउंड है वो हम एज अ फूड खाते हैं और फिर ऑक्सीजन बनती है फिर हम उसको यूज़ करते हैं तो फोटोसिंथेसिस सिंथिस के प्रो प्रोड़ जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनसे बनते हैं वो रेस्पिरेशन में काम आते हैं फिर रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेन जो उनसे चीज़ें बनी वो फोटोसिंथेसिस के काम आती हैं

इलेवन पेज नंबर इलेवन तक आपने रीड आउट करना है और उसमें कोई भी एक वर्ड का मीनिंग नहीं आता है कोई भी एक लाइन का मीनिंग आपको समझ नहीं आता है देन डू आस्क टू मी मुझसे बात कीजिए और हर एक लाइन का मीनिंग इस तरीके से पता हो कि हम आपसे चैप्टर के बीच में से कहीं से भी कुछ भी पूछ लें तो वो आपको आना चाहिए ठीक है नॉर्मली अब आपके पीछे वाले क्वेश्चन आपके टेस्ट में कम आएंगे आपके पास आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और इंटरनल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे सो डू प्रिपेयर देम फॉर द टेस्ट ओके इसके बाद हम रिवाइज करेंगे आपकी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे ओके okay? तो बी रेडी फॉर दैट एंड बी बी प्रिपेयर ओके बाय